काय महिला कमर त पुलिस की कर खाना दुरागा दुरागा खाना घोरुआ बा घोरुआ बा त झगड़ा होता त का हमर त झगड़ा देखे ना त झगड़ा देखेला के मार दी महिला के अगला कइले रहल रूनी देवी प्रशासन के बोला देली प्रशासन उठल ले लो के मार देला लड़का वही जुलूम में जाके जहर खाला। सिवान जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र के गांव से बड़ी खबर आ रही है, जहां दरौंदा थाना क्षेत्र के एक गांव में भैया भाभी से परेशान होकर एक युवक ने खुदकुशी कर ली है। युवक ने कीटनाशक दवा खाकर अपनी जान दे दी है। बता दें कि मृतक युवक मरने से पहले सुसाइड नोट में लिखा कि वह अपने माता पिता और बहन के साथ रहना चाहता था। उसने सुसाइड नोट पर यह भी लिखा कि उसकी एक महीने के बाद शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले उसके भैया भाभी ने उसके साथ इतना बड़ा छल कपट किया कि इससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर लिया है। आपको बता दें कि सिवान में पारिवारिक कला में एक युवक ने कीटनाशक दवा खाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने इसके लिए अपने भैया और भाभी को जिम्मेवार बताया है। बता दें कि मृतक युवक का नाम धर्मराज कुमार है। उसने सुसाइड से पहले चार पन्नों का एक नोट भी लिखा है। इसमें उसने भैया भाभी पर जमीन और संपत्ति विवाद में अपने माता पिता और खुद के साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। अपने सुसाइड नोट में धर्मराज ने लिखा कि वो अपने माता पिता और बहन के साथ खुश रहना चाहता था और उन्हीं लोगों के साथ जीना चाहता था, लेकिन जमीन और संपत्ति की बंटवारे को लेकर भैया भाभी आए दिन कई बार उससे मारपीट करती थी। इधर मृतक की बहन मालती देवी ने बताया कि पारिवारिक कला को लेकर धर्मराज ने कई बार भैया भाभी खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने उल्टा उसके भाई धर्मराज को ही पीट दिया। इससे वह काफी तनाव में आ गया। इसी से परेशान होकर धर्मराज ने कीटनाशक दवा खा लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि जांच के दौरान पुलिस ने उसके घर से चार पन्नों का एक सुसाइड नोट बरामद किया है। सुसाइड नोट में पारिवारिक विवाद और जमीन के बंटवारे की बात लिखी गई है। सुसाइड नोट के मुताबिक धर्मराज की एक महीने के बाद शादी होने वाली थी। बता दें कि मृतक युवक ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं धर्मराज कुमार अपने पापा मम्मी और बहनों के साथ खुशी खुशी जीना चाहता था, लेकिन मेरे भैया और भाभी ने मुझे कभी इज्जत के साथ जीने ही नहीं दिया। वहीं पंच ने भी मेरे लिए कुछ नहीं किया। सारा सच जानने के बावजूद भी पंच को मुझ पर दया नहीं आई। मेरी माँ और मेरी बहन के ऊपर क्या बीत रही है ये मैं और मेरी माँ ही जानती है। मेरे भाई ने एक बहन की शादी में कुछ पैसा लगाया था, लेकिन जब से भाई की शादी हुई है वह माता पिता को छोड़कर अकेले पत्नी के साथ रहने लगा। मुझे अपने माँ और बहनों का दुख नहीं दिखा गया तो मैं कमाने लगा और अपने परिवार को अच्छे से रखने लगा। कुछ दिन बाद मेरे भैया और भाभी भी आए। पहले कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। उसके बाद भैया ने पिता से कहा कि मैं अपना सारा पैसा जमा करूंगा और छोटे भाई का पैसा घर के खर्च में लगेगा। जब माता पिता ने इसका विरोध किया तो भैया ने माँ और पिता को मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मैं अपनी शादी के लिए घर बनवा रहा था। मेरे शादी के 34 दिन मात्र शेष बच गई थी। रोज रोज गाली गलौज करना और मारपीट करने के लिए वह उतारू रहता था। इससे मेरे दिल में काफ़ी चोट लगने लगी, जिससे मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। धर्मराज ने लिखा कि मेरी भाभी बहनों के साथ झगड़ा करती थी। मेरा भाई 1 जून को दिन के 2:18 पर काम रुकवा दिया और मेरे जगे हुए अरमानों को जला दिया। इस घटना में मेरे दोस्त, मेरे माता पिता या मेरी बहन का कोई हाथ नहीं है। मेरे मौत का जिम्मेदार भाई और भाभी हैं, जो मुझे इज्जत से नहीं जीने दिए। मैं अपने परिवार के साथ खुशी से रहना चाहता था, लेकिन उनको यह खुशी मंजूर नहीं थी। मैं आज जो भी अरमान लेकर मरूंगा उसे पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी माँ और बहनों की है। मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। वहीं उन्होंने यह भी लिखा कि पुलिस मेरे बहनों और माँ को चोट नहीं पहुँचाना। मैं अपने होश हवास में यह सब लिख रहा हूँ। तो आपको बता दें कि बड़ी घटना सिवान जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र के सिरसाव गाँव की है, जहां मृतक युवक की पहचान सिरसाव गांव के धर्मराज कुमार के रूप में हुई है। वहीं इस घटना को लेकर एक महिला ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मृतक युवक धर्मराज कुमार अपने भैया भाभी के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराने के लिए गया हुआ था कि तभी पुलिस वाले धर्मराज को ही मारना पीटना शुरू कर दिए। पुलिस वालों ने धर्मराज को कई थप्पड़ भी मारे, जिससे धर्मराज तनाव में आ गया और उसने कीटनाशक दवा खाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि पुलिस ने मृतक के पिता राजालाल प्रसाद के बयान पर थाना कांड संख्या 227/24 में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। वहीं इस मामले में धर्मराज कुमार के बड़े भाई वीर बहादुर प्रसाद और भाभी रूनी देवी को आरोपी बनाया गया है।
गन्ना के संबंध में बताया जा रहा है कि सिरसाओं गांव निवासी राजा लाल प्रसाद के दो पुत्र थे। छोटा पुत्र धर्मराज कुमार हाल ही में घर बनाने का काम शुरू किया था, लेकिन उसके बड़े भाई और भाभी ने इसमें अड़चन डालनी शुरू कर दी। 3-4 दिन पहले ही धर्मराज कुमार बाहर से घर आया था और जुलाई माह में उसकी शादी तय थी। शादी की तैयारियों के लिए वह घर बना रहा था, लेकिन परिवार में चल रहे लगातार झगड़ों के कारण वह तनाव में था। अंततः उसने मानसिक तनाव और उत्पीड़न से तंग आकर कीटनाशक दवा खा लिया और अपनी जान दे दी। पुलिस को घटना स्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें धर्मराज कुमार ने लिखा कि उसकी शादी में केवल 34 दिन ही शेष बचे हैं। पारिवारिक विवाद के कारण उसका घर नहीं बन पा रहा था। इसमें यह भी लिखा कि उसके भाई और भाभी ने उसे मानसिक रूप से परेशान किया है और उसकी माँ और बहन को भी गालियाँ देती थी। इन सभी कारणों से तंग आकर उसने आत्महत्या का निर्णय लिया है। झगड़ा कैले रूनी देवी प्रशासन के बोला दिली, प्रशासन उठल लो के मार दिल, लड़का वही जुलूम में जाके जोर खा चक्का। नाम रहे मुकर के को जे मरल बा राज धर्मराज। धर्मराज औरत लोग के साथे भी मारपीट होई रहे का? ना ना उ थाने वाला मरवे, थाने वाला मरवे, थाने वाला मारे मारे पड़े केस को के बोलो ना मरले पर गांव पर झगड़ा होता त ना भाई आइलो कि ना आइलो त प्रशासन मारी पुलिस मार दी पहले के बाद सागर मार देबे के काय महिला के मारता पुलिस की कर खाना धुरा दा धुरा दा खाना घोरुआ बा घोरुआ बा ते झगड़ा होता त का हमरा त झगड़ा देखे ना है त झगड़ा देखे ला के मार दी महिला के काल वाली ना हो गलत बात में चुपचाप रहिए। जब हम आ गए हम को काम करने दीजिए, चुपचाप रहिए। अब चुपचाप रह लो, चुपचाप तन पीछे आओ ना। हाई काट लो विजुअल रोहित गाड़ी हटाते।